महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी देखा है। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे तीन चार बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये लखटकिया कार का स्वप्न देखा है, 1 लाख में कार मिलना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। ऐसी पुण्यात्मा का हमारे बीच में से जाना, ये पूरे भारत के लिए, भारत तो क्या हमारे अपने, मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से उनकी शख्सियत है, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। हमारे बीच में स्वर्गीय रतन टाटा नहीं रहे, वो जीवन के सब क्षेत्रों में जहां जिए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। बाबा महाकाल से कामना करता हूं, उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति।